तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को देखो इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है इससे हम ये निकालेंगे ये इस क्वेश्चन से हमें सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी या क्यू फैक्टर क्यू फैक्टर या बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे निकालते हैं ये सवाल हमें समझा देगा ए भी आया था नीट टू में आया था ठीक ना तो ये ट्वेंटी का क्वेश्चन ए न्यूक्लियस ब्रेक इंटू टू पार्ट्स चलो मान लो एक्स नाम का न्यूक्लियस है जिसके पास मास दो है और ये ब्रेक करता है टू न्यूक्लियाई में मान लो ए वाई और प्लस जेड में बनाया लेकिन इच ऑफ 120 मतलब ए इसका मास 120 है इसका भी मास 120 है और एक चीज होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियांस वो फ्रेगमेंट का 8.5 है मतलब इसका 8.5 है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियांस ठीक है ये आप पढ़े होंगे और ये जो है अनफ्रेगमेंटेड का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो है आ, कितना है सेवन पॉइंट सिक्स है तो कहता है इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी भी तो रिलीज हुई होगी क्यू उसी की हमें कैलकुलेशन करनी है बाइंडिंग एनर्जी इन द प्रोसेस तो क्यू जो है बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी टोटल रिलीज ठीक है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टोटल समेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ये प्रोडक्ट ये, ये वाली जो होती है वो प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी टोटल ऑफ रिएक्टेंट है ना ये हम हमारा तरीका होता है बाइंडिंग एनर्जी क्यू एनर्जी निकालने का ठीक है ना बाइंडिंग एनर्जी तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट दोनों एक्स वाई जेड सेम है तो एक्स वाई जेड सेम है तो एक की बाइंडिंग एनर्जी पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस वन पॉइंट फाइव है और इसका टोटल मास 120 ट्वेंटी न्यूक्लियंस है तो 120 ट्वेंटी न्यूक्लियंस है और एक न्यूक्लियंस का 8.5 है और ऐसे दो है तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सेवन पॉइंट फाइव है टोटल दो सौ चालीस न्यूक्लियंस है तो दो सौ चालीस मल्टीप्लाइड बाई सेवन पॉइंट सिक्स तो जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये दो सौ सोलह आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता ही ये सल्यूशन ठीक है solution, तो अब इस हिसाब से मतलब अपना फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है